हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं उसको बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किए हुए ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसके लिए सबसे पहले जो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है, मींस अगर रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म है तो क्यू जो होगा वो क्यू का जो फॉर्म होगा वो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n, जहाँ m और n क्या हो होल नंबर। मतलब अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, जहाँ m और n होल नंबर हो, इस फॉर्म में रहेगा तो वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म होगा, मतलब 2 और 5 के अलावा और दूसरा कोई नंबर होगा, तो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये ध्यान रखना है कि कोई भी रेशनल नंबर दिया रहे उसका जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करेंगे। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल या तो 2 हो या 5 हो, 2 या 5 या दोनों, 2 और 5 दोनों हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यही केवल बात क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो जैसे इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 3125 को फैक्टोराइज करेंगे। 5 से कैंसिल होगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 625, 5 से क्या होगा, कैंसिल होगा, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25। फिर 125, 5 से क्या होगा, कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 25 भी 5 से कैंसिल होगा 5 बार में। अब इसके जो डिनोमिनेटर मतलब 3125 है, इसको अरेंज करके लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि 3125 इक्वल टू 5 रेस्ट टू द पावर 1 2 3 4 5। 5 कितना है, 5 ठो, तो 5 का पावर 5 लिखेंगे। तो इसके डिनोमिनेटर में केवल क्या है, 5 है, और 5 और 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, मतलब 5 है। इसका जो डिनोमिनेटर है उसका फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का है। इसमें जो m है उसका वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 5 है। तो यहाँ लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब सेकेंड नंबर में दिया 17/8, तो डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 को फैक्टोराइज करेंगे। 8 2 से होगा 4 बार में, फिर 4 2 से होगा 2 बार में, इसका फैक्टर है 2 3 ठो, तो लिखेंगे 8 इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे इसका भी जो क्यू है, मतलब डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का है, तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, हेंस
इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इसका भी टर्मिनेटिंग होगा। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में थर्ड नंबर में है 64/455 तो डिनोमिनेटर में 455 है इसको फैक्टराइज करेंगे 455 को 5 से कैंसिल होगा 91 फिर 91 सेवेंस होगा 13 बार में 13 बार में तो इसका भी फैक्टर को लिख लेंगे कि 455 इक्वल टू 5 × 7 × 13। अब इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 5 है 7 है 13 है मतलब इसका डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसका फॉर्म 2m × 5n के फॉर्म का नहीं है तो लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m × 5n नॉट ऑफ द फॉर्म 2m × 5n हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब फोर नंबर में 1600 तो 1600 को फैक्टराइज करेंगे 2 से कैंसिल होगा 800 बार में फिर 802 से होगा 400 बार में फिर 400 से होगा 200 फिर 200 होगा 100 से 100 बार में फिर 2 से 100 होगा 50 बार में फिर 2 से 50 होगा 25 बार में फिर 25 होगा 5 से 5 बार में। अब यहाँ फैक्टर जो 1600 का फैक्टर है उसको अरेंज कर लेंगे लिखेंगे 1600 इक्वल टू 2^1 2 3 4 5 6 6 × 5^2 तो इसका भी जो डिनोमिनेटर है 1600 उसके भी फैक्टर में 2 और 5 का क्या है केवल फैक्टर है 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर है नहीं है इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m × 5n हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग लिखेंगे हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग अब इसके बाद फिफ्थ नंबर में 29/343 तो डिनोमिनेटर में 343 है इसको फैक्टराइज करेंगे 143 सेवन से कैंसिल होगा 49 बार में 49 होगा 7 से 7 बार में तो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर को अरेंज कर लेंगे लिखेंगे 343 = 7^3 तो इसके डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है 2m × 5n का फॉर्म का नहीं है मतलब 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m × 5n
हैंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब सिक्स नंबर में फैक्टराइज नहीं करना है, ऐसे ही फैक्टराइज करके दिया हुआ है। देखने से ही पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है 2 का पावर m × 5 के पावर n के फॉर्म का है। तो यहाँ लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m × 5 के पावर n, हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब सेवन नंबर में 129/2 का पावर 2 × 5 का पावर 7 × 7 का पावर 5, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 2, 5 है और 7 भी है, मतलब 2 और 5 के अलावा 7 है। तो इसका डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 का पावर m × 5 के पावर n का फॉर्म का नहीं है। तो लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m × 5 का पावर n, हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसके बाद एट नंबर में है 6/15। तो अगर किसी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर कॉमन फैक्टर कुछ है, तो कॉमन फैक्टर को पहले हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तब उसके बाद देखते हैं कि डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 का पावर m × 5 के पावर n के फॉर्म का है कि नहीं। तो जैसा 6/15 है, तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 15 को 3 × 5। तो इसमें कॉमन 3 है, तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे, मतलब रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में हम लोग पहले लिख लेंगे, तब उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5। अब 2/5 में वो डिनोमिनेटर है 5, उसमें केवल एक ही फैक्टर है 5, मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है, मतलब इसका जो इसके डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है 2 का पावर m × 5 के पावर n के फॉर्म का है। तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m × 5 के पावर n, हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद नाइन नंबर में 35/50। तो 35 और 50 में भी कॉमन फैक्टर है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले हम लोग लिख लेंगे। तो 35 को लिखेंगे 5 × 7, 50 को लिखेंगे
टू इंटू फाइव इंटू फाइव, तो एक फाइव से एक फाइव को कैंसिल कर देंगे, ऊपर में सेवन नीचे है टू इंटू फाइव, तो इसके डिनोमिनेटर का फॉर्म है टू का पावर एम इंटू फाइव के पावर एन का, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म टू का पावर एम इंटू फाइव का पावर एन, हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद टेन नंबर में 77/210 है, तो इसमें भी कॉमन फैक्टर है कुछ, तो इसको भी लिख लेंगे और लोएस्ट फॉर्म में, तो लिखेंगे 77 होगा 7 इंटू 11 और 210 होगा 2 इंटू 2 से करेंगे 105, 5 से फिर करेंगे तो 21, फिर 3 से होगा फिर 7, मतलब 2 5 और 3 और 7 है, तो इसमें 7 से 7 का होगा कैंसिल, तो हो जाएगा 11/2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब इसके फैक्टर में 2 5 है और एक्स्ट्रा क्या 3 है, तो इसके डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है 2 का पावर एम इंटू 5 का पावर एन का नहीं है, तो लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 का पावर एम इंटू 5 का पावर एन, हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।